जय साथियों, मैं सतेंद्र यादव और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अकेडमी चैनल। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको रनिंग करने के बाद जो पैरों में सन पेन होने लगता है, और आपको अगर सन पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारा वीडियो आप पूरा जरूर देखें। और आपको बता दूं कि अगर आपको सन पेन हो रहा है तो सन पेन के कारणों से होता है कि आपका कहाँ पर आप रनिंग करते हैं, आपका आपका ग्राउंड कैसा है, आप ग्राउंड पर कहते रनिंग की, आप रोड पर रनिंग कर रहे हैं, आपको कहाँ पर रनिंग करना है, ये मैं आपको सारा बताऊँगा। और आपको इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। मैं बता दूं कि अगर आप रोड पर रनिंग करते हैं तो आपको सन पेन ज़्यादा होगा, अगर आप अपने ग्राउंड पर रनिंग करते हैं तो कम होगा। और आपको अच्छे वाले शूज पहनना है, अगर आप बिना शूज के रनिंग करते हैं तो आपको सन पेन ज़्यादा होने की संभावना है। अगर आप जितना हो सके अपना शूज पहन के दौड़ें और अपना ग्राउंड पर रनिंग करें, आप रोड पर बहुत कम रनिंग करें। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको खाना चाहते हैं सन पेन से तो आपको सरसों का तेल सुबह शाम आप रनिंग करने के बाद सुबह आते हैं तो मालिश करें अपने पैरों को, और शाम को अपन जब रनिंग करके एक ग्राउंड के बाद घर जाते हैं तो शाम को सरसों का तेल से अच्छा तरीके से मालिश कर लें। और आपको खाने में क्या लेना दोस्तों, तो मैं बता दूं कि आपको दूध में हल्दी डाल के आपको दूध पीना है, जिससे आपको सन पेन में और आपने हड्डियों में बहुत कम दर्द होता है उस कारण से। और मैं बता दूं आपको दूध के साथ आपको छुहारे जानते हो आप लोग, तो वो भी 4-5 छुहारे डेली डाल के दूध में खाना है, उससे आपको हड्डियों में दर्द कम होगा और आप सन पेन से छुटकारा पा सकते हो। और मैं अगर आप सन पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको सरसों के तेल से मालिश तो करनी है, उससे आपको और अलग करना है तो आपको क्या करना, आपको एक बर्फ़ लेनी है और बर्फ़ से आपको 15-20 मिनट कंटिन्यू रख के आपको बर्फ़ से सिकाई करनी है अपने हड्डियों की, अगर आपको सन पेन हो रहा है तो। और अगर आपको सन पेन नहीं आपका जा रहा है तो मैं आप मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको सन पेन के लिए वर्कआउट बता दूंगा कि कौन सा आपको एक्सरसाइज करनी है, कौन सा वर्कआउट करना है और आपको कैसे रनिंग करनी है, ये सारा मैं अपने वीडियो में बता दूंगा। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।